हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रद्धा स्टाइलिंग एंड फैशन। एक नया वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो अगर आप थोड़े से मोटे हैं, प्लस साइज हैं, हेल्दी हैं, तो आपके लिए बहुत ही काम का वीडियो है। साथ ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को विदाउट स्किप करें देखें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। और वीडियो में मैंने यहाँ पर 10 टिप्स शेयर की हैं, जो कि सारे की सारी टिप्स एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें। टिप नंबर 1 में आप लोग हाई वेस्ट जीन्स या जैगिंग पहने। अगर आप जीन्स पहनती हैं तो हाई वेस्ट जीन्स आपके टमी को थोड़ा सा फ्लैट दिखाता है, अंदर की तरफ खींच के एक अच्छा सा शेप देता है। और साथ ही साथ हाई वेस्ट जीन्स इस समय बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में भी है। टिप नंबर टू में आप ए लाइन टॉप पहने जीन्स के साथ, या ए लाइन कुर्तीज पहने। ए लाइन कुर्ती में क्या होता है, ऊपर का से आपका फिटेड रहता है और फिर फ्लेयर रहता है। फ्लेयर रहने की वजह से आपके थाइस, टमी, ये सब काफ़ी ज़्यादा हाइड हो जाते हैं और आप थोड़े से स्लिम दिखते हैं। टिप नंबर 3 ये है कि अगर आप टॉप और जीन्स पहनती हैं तो आप नॉर्मल टॉप को अवॉइड करिए और पेपलम टॉप को प्रेफर करिए। पेपलम टॉप में नीचे थोड़ा सा फ्लेयर होता है, जिसके कारण आपके थाई और टमी एरिया हाइड हो जाती हैं, और ये पेपलम टॉप काफ़ी स्टाइलिश भी दिखता है। तो ये है मेरी टिप नंबर 3। यहाँ पे जितनी भी टिप दी हैं आप उनको फॉलो करके थोड़े से अपने एक्स्ट्रा वेट को, आप प्लस साइज हैं अगर, तो उसको थोड़ा सा हाइट कर सकते हैं और स्टाइलिश दिख सकती हैं। टिप नंबर फोर में आप अनारकली या फ्रॉक टाइप वाले ड्रेसेस पहने, जो जिसमें प्लीटेड ना हो, थोड़ा सा बस फ्लेयर हो। और ये जो है सिंपल कपड़े में, सिंथेटिक कपड़े में हो तो और सुंदर है, या सिंपल सॉफ्ट कॉटन में, सिल्क या ब्रोकेड वगैरह ना हो। आगे बढ़ते हैं टिप नंबर फाइव में आप जीन्स टॉप या कुर्ती के साथ एक लॉन्ग्स रख कैरी कर सकती हैं। ये आपके थाई एरिया को हाइट करेगा, थाई एरिया के आपके एक्स्ट्रा जो आपका प्लस साइज है उसको थोड़ा सा हाइट कर देगा, और आप साथ ही आप स्टाइलिश भी दिखेंगे। श्रग वगैरह वैसे भी स्टाइल बढ़ा देती है आपके लुक को, आपके ड्रेसेस की स्टाइल को। इसके पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है शॉर्ट हाइट टेड गर्ल्स के लिए, अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके उसे भी चेकआउट करें, काफ़ी यूज़फुल वीडियो है। चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 6 में। टिप नंबर 6 ये है कि आप हाई वेस्ट, अगर आप स्कर्ट पहनना पसंद करती हैं तो हाई वेस्ट स्कर्ट पहने। कोशिश करें ए लाइन पहने, बहुत ज़्यादा फ्लेयर वाला ना पहने। और हाई वेस्ट के साथ आप क्रॉप टॉप पहने या इन करके शर्ट पहने, बहुत ही प्रिटी लगेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा, और साथ ही आप थोड़े से पतले दिखेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं टिप नंबर 7 में। टिप नंबर 7 में आप अगर साड़ी कैरी करते हैं तो साड़ी को ओपन पल्लू करें, जिससे आपका टमी एरिया काफ़ी छिपा रहेगा। आपने विद्या बालन को देखा होगा, वो मोस्टली साड़ी ही कैरी करती हैं और फिर भी काफ़ी प्रिटी लगती हैं, साथ ही मोस्टली वो ओपन पल्लू ही कैरी करती हैं। इसके बाद बढ़ते हैं टिप नंबर 8 की तरफ। टिप नंबर 8 मेरी ये है कि आप अवॉइड करें स्लीपलेस ड्रेसेस। स्लीपलेस ड्रेसेस में आपके जो हैंड होते हैं अगर काफ़ी हेल्दी हैं तो बहुत ही भद्दे दिखते हैं, वल्गर से लगते हैं, अच्छा नहीं लगता। बढ़ते हैं टिप नंबर 9 में। टिप नंबर 9 ये है मेरा कि ओवर फिटेड ड्रेस भी आप अवॉइड करें। अगर आपको फैंसी ड्रेसेस या पार्टी ऐसे शॉर्ट ड्रेसेस पसंद हैं तो आप इसमें कोशिश करें कि थोड़े से फ्लेयर वाले पहने और ऐसे फिटेड वालों को थोड़ा अवॉइड करें। और इसके बाद टिप नंबर 10 ये है कि अगर आपको फिटेड ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद है या आप कहीं पार्टी फंक्शन में पहनना चाहती हैं तो आप उसके अंदर टमी टकर को यूज़ करें। ये डेली के लिए नहीं, पर अगर किसी पार्टी फंक्शन में आपको फिटेड ड्रेस पहनना है और उसमें आप अपने टमी को थोड़ा सा छिपाना चाहती हैं तब आप टमी टकर का यूज़ कर सकती हैं। ये डेली के लिए कम्फर्टेबल नहीं होता है, पर आप पार्टी फंक्शन के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, यूज़फुल लग रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और अगर वीडियो यूज़फुल हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर की।